काइनेमेटिक्स या मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आपको पता ही है। डिस्टेंस टोटल लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये किया हुआ है। फिर इसके अंदर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी सबको पता है वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, जब चेंज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दोनों में फ़र्क है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, डी वी बाय पी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, कैलकुलस के साथ निकलेगी इसमें। तो ये हमने किया, इसका ये रहा क्वेश्चन। A man traveling along a straight road for the first half time moving with a speed of v1 and for second half time speed v2. तो पहले half time के लिए speed v1 है, दूसरे half time के लिए speed v2 है। तो पहला time t by 2 है, दूसरा t by 2 है, और speed v1 v2 है। Average speed निकालनी है, कुछ नहीं करना, total displacement by total time। Total displacement निकाल लेते हैं, तो पहले की displacement कितनी है v1 into t by 2, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट कितनी है v2 इंटू टी बाई टू। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t बाई टू प्लस टी बाई टू, कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो शॉर्टकट याद नहीं करना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। जैसे क्वेश्चन चेंज कर दिया कि पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1, पहला हाफ डिस्टेंस v1 के साथ एंड दूसरा हाफ डिस्टेंस v2 के साथ। तो डिस्टेंस x/2 x/2, स्पीड v1 v2 के साथ, एवरेज स्पीड निकालो। तो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल टाइम में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन v1 डिस्टेंस अपॉन v2। तो यहां पुट कर देना टोटल टाइम, सॉल्व करना, आंसर ये आएगा 2v1 v2 / v1 + v2। बेसिक कांसेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस / टोटल टाइम करना है। ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन आगे बने, अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो आधा डिस्टेंस कितना है x/2 विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट कितना है x/2, वाज कवर्ड विद वेलोसिटी 20 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। तो फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब अगर यहां से यहां आने में टाइम t1 लगा, तो अगले हाफ के लिए टाइम टोटल t2 है। तो फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब t2 बाई 2 में स्पीड 20 है और दूसरे t2 बाई 2 में स्पीड 30 है। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। तो पहले हाफ डिस्टेंस कर दिया और अगले पार्ट में हाफ टाइम भी कर दिया। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, x/2 प्लस x/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, फर्स्ट हाफ का टाइम प्लस सेकेंड हाफ का टाइम। फर्स्ट हाफ का टाइम तो ईजी है निकालना, x/2 को 10 से डिवाइड कर दिया, t1 आ गया। सेकेंड हाफ का अगर टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना x/2 है, तो x/2 इज इक्वल टू 20 इंटू t2/2 प्लस 30 इंटू t2/2, स्पीड इंटू टाइम। तो सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो t2 कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, तो बस ठीक है, t1 आ गया, t2 आ गया, टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 है, t1 और t2 की वैल्यू पुट करके आपके पास नेट आंसर की वैल्यू आ जाएगी, नेट आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो, जब भी आपको
ये निकालना हो, जैसे एक्स गिवन है आपको और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। लेकिन अगर आपको एक्स से एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज बाय टोटल चेंज एवरेज वेलोसिटी है, कैलकुलस से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स आपको दे दिया, कौन सी वेलोसिटी पूछी, इंस्टेंटेनियस, तो कैलकुलस यूज करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, टाइम की वैल्यू को पुट करना है, जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी निकालो, क्योंकि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होगी, एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी टू माइनस टी वन होगी। एक्स का फॉर्मूला लिखो, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकेंड एक्स वन निकालो, एट टाइम टी टू इज इक्वल टू थ्री सेकेंड एक्स टू निकालो, और एक्स टू एक्स वन और टी टू टी वन में पुट करके एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब एवरेज के अंदर कैलकुलस यूज नहीं करना, इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस यूज करना है, ये इसका मतलब। टाइप ऑफ मोशन में पहली मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल में एस इक्वल टू वी टी, और जिनमें एक्सेलेरेशन है वहां पर तीन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। इसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, पहले टाइप का जो ग्राफ है, जो पहले टाइप का ग्राफ है वो है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको क्या देगी, वेलोसिटी, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन, ठीक। नेक्स्ट रिजल्ट है VT ग्राफ के अंडर एरिया, तो एरिया अंडर VT ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। चेक करके देख लो, इसका एरिया क्या आएगा, V इंटू टी, जो कि क्या होता है, S, तो डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये A है ये T है, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, ए इंटू टी, क्या इसको क्या देखो, वी क्या होता है, यू प्लस ए टी, वी माइनस यू क्या है, ए टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ए टी, तो आपको ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है यहां तक। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट है अगर आपके पास मान लो यहां से यहां एक बॉडी आती है और n सेकेंड में आती है, एक सेकेंड पहले उसका टाइम टेकन कितना था, n माइनस वन सेकेंड था, n माइनस वन सेकेंड, तो आखिरी एक सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, डिस्टेंस इन लास्ट वन सेकेंड, या डिस्टेंस इन nth सेकेंड ऑफ मोशन का फॉर्मूला किया था, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन।
तो यहां से अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी गिवन यू गिवन है और एक्सेलरेट्स ए गिवन है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी वी गिवन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट है। और सेकेंड, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ट्रू है आज की आपने, तो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकेंड करेक्ट है, डी। नेक्स्ट, तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है ए और बी का, ए देखो ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल तो पक्का है क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा और बी का बड़ा है, तो ए पास रहता है बी दूर रहता है। फिर स्लोप बी की ज्यादा है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, तो मार्क कर लेना बी फास्टर है और ए जो है लिव क्लोजर टू द स्कूल, तो क्या डी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हुआ है अभी, x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड x डिस्टेंस वेलोसिटी v2, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी रादर इसमें v गिवन है, तो रिलेशन निकालना है v v1 v2 का, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस x एंड x अपॉन टोटल टाइम x by v1 x by v2, तो ये टर्म आपको v गिवन है, निकाल लेना, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, फ्रॉम वी टी ग्राफ एज शोन रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, क्या करेंगे, क्या निकालेंगे इसका, एरिया, कौन सा ग्राफ है वी टी ग्राफ का, एरिया आपको क्या देगा, अगर तो आपने सारे एरियाज को एड किया पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी एड कर दिया तो फिर तो डिस्टेंस आएगा, और अगर आपने ये एरिया एड करने पर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक। नेक्स्ट, कल का टेस्ट सर, कल का टेस्ट जो है ना वो ना कुछ ऐसे बनाया जा रहा है, नीट वालों का स्टार्ट करते हैं, तीन लेवल, देखो नीट में ना तीन क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं, मतलब ये आप बड़ा टेस्ट ले नहीं सकते इसका, केटीजी का अलग टेस्ट लेना ही पड़ेगा, सिर्फ केटीजी का, ट्रांसफर ऑफ हीट का दूसरा टेस्ट लेना ही पड़ेगा अलग से, और थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट अलग से लेना ही पड़ेगा, तो तीन अलग आपके, तो तीन टेस्ट 3 घंटे के टेस्ट हैं, आपने कल 3 घंटे में देने हैं, कल आपको 2 घंटे में देने हैं, और परसों आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो आप देख लें, 3 टेस्ट होने चाहिए परसों तक, तो कल आप 2 घंटे का टेस्ट तो दे ही दें, तीसरा ऑप्शनल है, देना एक बारी में दे लें, नहीं देना तो मंडे को आके दे दें, तो नीट वाला क्लोज हो गया, अलग अलग सेगमेंट हो गए, तो आपने पहले क्या पढ़ना है, के टी जी, फिर आपने पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट, फिर आपने पढ़ना है थर्मो, थर्मो में क्यूमुलेटिव टेस्ट डाल देंगे ट्रांसफर ऑफ हीट एंड के टी जी का भी, ठीक हो गया। मेन्स वालों का भी सेम फॉर्मेट करेंगे, मेन्स वालों का भी सेम तरीके से चलाएंगे, के टी जी का अलग लेंगे, आपका ट्रांसफर ऑफ हीट का भी आपका भी अलग लेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स क्यूमुलेटिव होगा, उसमें सारा कुछ आएगा, तो थर्मो का टेस्ट मंडे को रख देंगे और बाकी 2 टेस्ट कल दे देने, आपने नीट का देने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे का सफिशियंट है ये टेस्ट, जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया, वैसे ही बना दिया, उसमें से निकाल दिया मैंने, मैंने थोड़े ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए हैं जिसमें इस बार जरूरत नहीं है, इस बार जरूरत नहीं है, हाँ थर्मो का देना है तो मंडे वाला टेस्ट थर्मो वाला दे देना, वो कोई चक्कर नहीं है, वो बिल्कुल डायरेक्टली डिफरेंट है, तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेन वालों का भी यही है, के टी जी में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, थर्मो में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और ट्रांसफर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो 2-3 क्वेश्चन है, आप एक टेस्ट के अंदर उसको समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, अलग अलग टेस्ट होंगे आप सही तरीके से देख पाएंगे क्या गलती है। मेरी तरफ से 3 टेस्ट कल दे दें तो भी कोई बात नहीं, पर प्रेफर दे सकते हैं 3 देने,
ठीक है डन, 10 से 1 में 3 टेस्ट कट ही दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं तीनों टेस्ट बना दूंगा, जैसे जिसे देने वो बना दें, ठीक है। कोशिश करो एक ही बार में ख़त्म हो तो अच्छा है, लटक जाएगा नहीं तो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, एक टनल है, टनल में से ट्रेन निकलती है, टनल की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, ट्रेन की लेंथ एल है, ट्रेन एंटर करती है, ट्रेन जब तक आखिरी बोगी बार निकलेगी नहीं, आपका टाइम स्टॉप नहीं होगा, तो ट्रेन ने जो लेंथ कवर की, और टनल की लेंथ तो की, साथ में पूरी ट्रेन की लेंथ भी काउंट हो रही है, जब तक तो बाहर नहीं निकलती तब तक टाइम काउंट होगा। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेन की लेंथ एक में एल है और एक में कितनी है, 4 एल है, एल है और 4 एल है, और टनल की लेंथ तो एल है, आपको दोनों ट्रेन की वेलोसिटी भी गिवन है, अगर ए ट्रेन 35 सेकेंड लेस टाइम ले रही है ट्रेन बी से, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टनल बतानी है, और लेंथ ऑफ द टनल 60 एल है, 60 टाइम लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो पहले इसमें कन्वर्ट करो 108 को 30 में, 72 को 20 में, तो टाइम पहली ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड 30 है, ये ए का टाइम है। बी का टाइम क्या होगा, ट्रेन टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ स्पीड। अब मुझे पता है कि टी बी माइनस टी ए कितने, 35, पुट करके ये इक्वेशन आ गई, और जहां जहां कैपिटल एल है वहां 60 एल पुट कर लेना, वहां से एल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड से आंसर आते जा रहे हैं, ठीक। तो आइडिया क्लियर है, नेक्स्ट। देखो एक्स पता है, वेलोसिटी बतानी है ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड, कौन सी, इंस्टेंटेनियस, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करें, ये वेलोसिटी आएगी, इस पे टाइम को 2 पुट करें, आंसर आएगा, ठीक। इसका आंसर सारे डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, राइट। तो ये यही बता रहा है, ए बी बी सी के इक्वल है, और ए डी या ए बी 1/3 ए डी है, ए बी 1/3 ए डी है, तो ये अल्टीमेटली सेम ही है, एक्स 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 ले सकते हैं, बस फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। तो एक्स 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 है, तो टोटल डिस्टेंस 3x है, पहले इंटरवल का टाइम एक्स बाई वी वन है, एक्स बाई वी टू, एक्स बाई वी थ्री है, सॉल्व करके आंसर, तो एवरेज स्पीड निकालनी है आंसर। तंग आ गया हूँ एवरेज स्पीड से, फिर एवरेज स्पीड पूछ ली, फिर एक्स 4t² है, वेलोसिटी बताओ टाइम 5 सेकंड पे, इससे छोटा क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलस लगाओ, डिफरेंशिएट करो, 8t, 8t में टाइम को 5 पुट करो, 40 आंसर है। एवरेज स्पीड है फिर से यार, ये लो, मेडिकल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, नॉन मेडिकल में आए हुए, मेडिकल वालों को शायद ना भी आए, पर मेथड सीख लें। तो कह रहे हैं अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आ रहा है, सर्कुलर पाथ, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस पर्सन का कितना है, 60 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, 60 है, ये रेडियस क्या है, आर है, तो ये एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा एंगल इज आर्क, जो कि कितना है, 60 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो पहला काम इसमें यही किया कि आप इसमें एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो यानी कि 60 मीटर आर्क इज एंगल इनटू रेडियस,
तो एंगल 135 का मतलब होता है 3 पाई बाय 4 इंटू रेडियस इज 60, यहाँ से आर आ गया पहले तो आर निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, ए से लेके बी तक के डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करना आंसर आएगा, तो 135 लगा के आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, पहले आर आएगा फिर वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर, इट्स नॉट एडिशन ऑफ वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर से निकलता है। नहीं फिर कैसे, ये देखो अगर मान लो ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, ठीक है, और ये क्या है मान लो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, आप ट्राइंगल और लगाओ ना, ये ए वैक्टर है मान लो, ये एक्स वैक्टर है, तो ये मान लो एक ये ए वैक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो एक्स वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो एक्स वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्ट लगाया है, एडिशन का नहीं लगाया, सब्ट्रैक्शन का लगाया इसमें। मैथ्स के लोग कर लेंगे, 135 की कॉस की वैल्यू उनको पता होती है, मेडिकल में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसका आंसर। आंसर है ए, आपने 100 की स्पीड से बॉल को घेरा, जमीन पे गिरी, जमीन पे स्पीड 100 से ज़्यादा होगी और फिर रुक गई, 100 से गिरी 200 पे आ गई, बाकियों में वेलोसिटी बढ़ जा रही है, आंसर है कुछ भी वैल्यू बढ़ गई, मतलब कि 200 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बढ़ गई ना, तो 100 से बढ़ गई 200 हो गई, ग्राफ कह रहे हैं ना, अब ये जीरो से तो स्टार्ट हुई नहीं, आपने फेंका है किसी वेलोसिटी के साथ, आपने रेस्ट से थोड़ा फेंका है, तो यू जीरो तो होगा नहीं, यू कुछ ना कुछ तो अटेन करेगा वेलोसिटी, तो आपके सामने ये तो हुआ नहीं, 100 से फेंका और जीरो वेलोसिटी होगी, रेस्ट पे थोड़ी ना आई है, उसने उसने हिट किया पहले फिर रेस्ट पे आई है, तो हिट करने की वेलोसिटी कितनी है, यही आंसर बनता है, ऑप्शन ही नहीं और कोई, फिर एवरेज वेलोसिटी है भाई इसमें, एवरेज वेलोसिटी भरी पड़ी एवरेज वेलोसिटी, ये लो
देखो, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो एक कार है, वो मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 150 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक सप्लाई करती है और वो रुक जाती है, वेलोसिटी क्या है, जीरो, और 27 मीटर पे। अगर कार की स्पीड नेक्स्ट टाइम 1/3 है इससे किलोमीटर पर आवर, उसको रोकना है, वेलोसिटी जीरो करनी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है ये कैलकुलेट कर दो। अप्लाई करो फर्स्ट केस में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो अप्लाई कर देना फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2a 27, इक्वेशन नंबर वन। दूसरे में अप्लाई कर देना जीरो स्क्वायर 150 बाई 3 का होल स्क्वायर 2as निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, एसक्यूएल 3 आ रही है, कट जाएगा सब कुछ। और यूनिट्स मैंने इसलिए कन्वर्ट नहीं किए क्योंकि इसके यूनिट्स इसी यूनिट्स के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यों मीटर पर सेकंड करना, डिवीजन के अंदर तो यूनिट्स वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो जान के नहीं किए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगली बार हमने काम किस पे करना है, वेक्टर प्रोजेक्टाइल फोर्स, तीन पार्ट होंगे।